सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उन्नीसवीं सदी जिन्हें काटना पड़ा अपना स्तन, केरल की नांगेली के स्तन कर्ज के बर्बर कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। उनकी उम्र करीब 3 साल की थी। नांगेली खूबसूरत महिला थी, मगर वह तब सामाजिक व्यवस्था में नीच माने जाने वाले तबके एड़वा जाति की थी। इस दौर में महिला दिवस की परंपरा या महिला सशक्तिकरण की आम चलन नहीं थी और नांगेली ने पूरी हिम्मत के साथ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी थी। यह घटना वर्ष 1803 की केरल के तटवर्ती स्थान चेरथला की है। नांगेली के बलिदान के बाद ब्रेस्ट टैक्स का बर्बर कानून हटा लिया गया। केरल त्रावणकोर में सार्वजनिक तौर पर अपने स्तनों को ढककर रखने की इच्छा रखने वाली महिलाओं से मुलक्करम स्तन कर वसूला जाता था। गरीब महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए राजा को कर चुकाना पड़ता था और अपने स्तन को ढकने के अधिकार को पाने के लिए टैक्स देना होता था। जितने बड़े स्तन होते थे टैक्स की रकम उतनी ज्यादा होती थी। स्थानीय कर अधिकारी परोथियार बकाया ब्रेस्ट टैक्स वसूलने के लिए बार बार नांगेली के घर आ रहा था। नांगेली ने तय कर लिया था कि त्रावणकोर के राजा द्वारा लगाए जाने वाला यह अमानवीय टैक्स वह नहीं देगी। अंतिम बार घर पर आए परोथियार को उसने इंतजार करने को कहा। उसने केले का पत्ता सामने फर्श पर रखकर दीप जलाया और प्रार्थना पूरी करने के बाद धारदार हथियार से अपने दोनों स्तन काट डाले। ज्यादा खून बह जाने के चलते उनकी मौत हो गई। नांगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। यह एक तरह से एक औरत के निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना गरीब समुदाय के लिए मुमकिन नहीं था। नांगेली का केरल की स्थानीय भाषा में अर्थ है खूबसूरत। चेरथला में नांगेली ने जिस जगह पर यह बलिदान दिया था उसे मुलाचिपा रामबू, मलयालम में इसका अर्थ महिला के स्तन की भूमि कहते हैं। इतिहास की किताबों में नांगेली के बारे में कम पड़ताल की गई है। चेरथला में नांगेली का घर झोपड़ी अभी भी वहीं पर है जहां उसने बलिदान दिया था। झोपड़ी के पास एक तालाब है जिसके एक किनारे पर दो बड़ी इमारतें बन गई है। नांगेली और उनके पति चिरुकंदन की कोई संतान नहीं थी। चेरथला में ही षष्टम कवला के पास नेदुम्ब्रकांड में नांगेली की बहन की परपोती लीला अम्मा रहती है जिनकी उम्र 67 साल है। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नांगेली के पड़पोते मनियम वेलू रहते हैं। यह तस्वीर केरल के कलाकार टी मुरली द्वारा बनाई गई तस्वीर है।